नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने Facebook से किसी फ्रेंड को अनफ्रेंड कर दिए हैं तो कैसे आप उसे दोबारा अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करेंगे, कैसे आप उसे फ्रेंड लिस्ट में फिर से जोड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। तो दोस्तों अपने फेसबुक से अनफ्रेंड किए हुए फ्रेंड को फिर से फ्रेंड बनाने के लिए ओपन करते हैं हम अपने फेसबुक ऐप को। दोस्तों पिछले वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सर आर्काइव में ब्लैंक शो कर रहा है, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हम उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका फेसबुक अपडेटेड नहीं तो अपडेट कर लीजिएगा और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इस तीन लाइन पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन होके एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स पे। अब दोस्तों यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे आप आ जाते हैं प्राइवेसी वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा प्राइवेसी सेटिंग पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आना होगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हु कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अगर आपके फोन में यहाँ पे टिक है तो आप इसे यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों एवरीवन पे सेट कर देने के बाद यहाँ से आप आ जाइएगा बैक और दोस्तों इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना होगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा सेटिंग्स पे। तो दोस्तों अब आपको फिर से नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आना होगा, यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटी लॉक का, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी लॉक तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा फिल्टर्स पे, यहाँ पे आप जाइएगा फिल्टर्स में और फिल्टर्स में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कैटेगरीज, ये ऑल पे सेट रहता है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है योर कनेक्शंस, यहाँ पे लिखा हुआ है योर कनेक्शंस तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे दोस्तों आपको फाइनली ऑप्शन मिल जाता है रिमूव फ्रेंड का तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा रिमूव फ्रेंड। अब दोस्तों यहाँ से आप जितने भी फ्रेंड को रिमूव किए रहते हैं, आप जब जब फ्रेंड को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे आपको सभी डिटेल मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं 28 नवंबर को रिमूव किया हूँ, इसके बाद 28 जुलाई को, 28 जनवरी को, यहाँ पे आप नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आपको काफी पुराने से पुराने डिटेल मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। अब दोस्तों हमें ये जानना है कि इन फ्रेंड को हम कैसे फिर से अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए फिर से यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा आर्काइव पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा आर्काइव पे। दोस्तों आर्काइव पे क्लिक कर देने के बाद आप जितने भी फ्रेंड को अनफ्रेंड किए रहते हैं वहाँ पे ये इन सभी का डिटेल मिलता है और उसके बगल में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ऐड फ्रेंड का। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी फ्रेंड को अनफ्रेंड करते हैं, आप खुद से किसी फ्रेंड को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है आप उसे अपने फ्रेंड लिस्ट में जोड़ सकते हैं, मगर आप जिसे अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड किए और वो खुद से अनफ्रेंड हो जाता है, अपने आप से आपको अनफ्रेंड कर देता है या फिर आपको ब्लॉक कर देता है, तो फिर आप उसे अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन सभी फ्रेंड को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा ऐड फ्रेंड पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। दोस्तों ऐड फ्रेंड पे क्लिक कर देने के बाद ये फ्रेंड हमारे फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाता है और इसी तरह से आप चाहें तो इन सभी को भी क्लिक करके यहाँ पे अपने फ्रेंड लिस्ट में फिर से ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे आर्काइव पे क्लिक कर देने के बाद ब्लैंक शो करता है, तो उसको फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके सीधे इसे कट कर दीजिएगा और कट कर देने के बाद अपने फेसबुक को आप फिर से ओपन कीजिएगा। तो फेसबुक फिर से ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तीन लाइन पे और आप फिर से नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा हेल्प एंड सपोर्ट पे और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपके फोन में ये ऑप्शन ऑन है तो आप इसे ऑफ कर दीजिएगा और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा रिपोर्ट प्रॉब्लम पे, यहाँ पे। तो दोस्तों रिपोर्ट प्रॉब्लम ओपन कर देने के बाद यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना होता है तो यहाँ पे आप ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा इवेंट, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा
और एक ये स्क्रीनशॉट आपका खुद से आपके फोन का ले लेता है। यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम को बताना होता है और यहाँ पे आपको लिखना होता है। जैसे मैं अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे पहले से लिख के रखा हूँ और यहाँ पे सिंपली इसे हम पेस्ट कर दे रहे हैं। आप इसे देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ पे क्या लिखना है। मैं यहाँ पे इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप चाहे तो वहां से कॉपी कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सेंड पे। यहाँ पे इतना टाइप कर देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा सेंड, तो आपकी रिक्वेस्ट फेसबुक टीम के पास चल जाती और 7 से 14 दिनों के अंदर अंदर ब्लैंक आर्काइव वाला प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।